Happy Valentine's Day! Oh my God! Chuda bhai. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आपको मैं यार करम जी के लिए बिपाशा जी के लिए जोरदार तालियां और छोड़ दीजिए। मजा आ गया। वो वाला हैट आपने फेंक दिया, ये वाला हैट क्यों नहीं फेंक रहे? ये फेंको। ये सब क्या है? ये क्या? तो व्हाट इज दिस? दिस इज माय वैलेंटाइन्स लुक। आप सोफा में फंसी है, आप बैठ। आप पहले ये बताइए, ये सब आपने किया क्यों है? अच्छा मैं, अच्छा ये जरूरी बात है। ये देखो यार, इधर आओ। मकर राशि आज मेरे लाइफ में रोमांटिक योग है। बिपाशा जी, मैंने आपकी जिस्म फिल्म देखी, पर आपकी मैंने जिस्म फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन आपका जिस्म मैंने देखा। सबने देखा होगा। ऑन इंस्टाग्राम ऑल द एब्स एंड ऑल, मैंने वहां कमेंट भी किया था कि व्हाट बाइसेप्स, व्हाट डाइसेप्स। डाइसेप क्या होता है? अरे बाइसेप, बाई तरफ बाइसेप्स, दाई तरफ डाइसेप्स। बेसिक यू डोंट अंडरस्टैंड यार। माय नेम दामोदर जेठ मलानी, मैं मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ। अच्छा। लेकिन धूम टू, ओहो हो, धूम टू में ऋतिक रोशन ने इतनी धूम नहीं मचाई होगी जितनी आपको देख के मेरे दिल ने मचाई है। थैंक यू। शर्म नहीं आती आपको? वो शादीशुदा है, आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो मैं तो शादीशुदा हूँ, साथ साथ में वो भी तो शादीशुदा है, तो इट बैलेंसेस आउट। शादी की बात ना मुझसे करो मत, क्योंकि मैं आपको बताऊं अर्चना जी, मेरी शादी धोखे से हुई है। धोखे से कैसे? मेरे पिताजी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे कहते थे जवान हो गए हो शादी कर लो, जवान हो गए हो शादी कर लो। मैंने शादी की, सुहागरात की रात में मेरी बीवी मुझसे कह रही है तुम्हारा बचपना अभी गया नहीं। यार करण जी, हाँ जी यार, अपने ये पिकासो जी क्या करते हैं? ये पेंटिंग। पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, आपको पेंटिंग का शौक है ना? जी है। पेंटिंग मैं आपको, आई विल जस्ट गिव यू वन थिंग। ये अपना शिमला की जो मॉल रोड है ना, वहाँ पे पेंटिंग के कमाल की एग्जीबिशन लगी है, यू मस्ट गो नाउ। नाउ? हाँ नहीं, देखिए जाएंगे सभी तो मैं टाइम स्पेंड कर पाऊंगा थोड़ा क्वालिटी। टाइम से याद आया, आपका बाथरूम का टाइम हो गया। मेरा भी हो रहा है। जैसे लोग बीच में पावर नैप लेते ना, इनका बाथरूम नैप होता है 3.5 घंटे का। इधर परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। स्टॉप वॉच लेके बाहर खड़े रहते हो क्या तुम? यार भाई यार, मुझे लोगों को लगता है बहुत बिजी हैं आप, ये सब करते हैं। मैं बताऊं आपको बिपाशा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने अपना ये स्कूल टाइम में राज फिल्म देखी थी। अच्छा, दीवाना हो गया। मतलब राज आपके स्कूल के टाइम आई थी? नहीं, मेरे स्कूल के टाइम नहीं, राज फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी तब स्कूल का टाइम था, चल रहा था स्कूल। मॉर्निंग में देखी थी ना मैंने, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इतना मैं आपका दीवाना हुआ बिपाशा जी, इफ यू डोंट माइंड, कॉफी पे चलेंगे आप मेरे साथ? वकील साहब करण भी बैठे हैं यहाँ पे। एग्जीबिशन पे जाओ ना, आज ही है। वहाँ मिल जाएगी कॉफी यार, मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे नजदीक ही पशु मेला लगा है, आप जाइए, आपको अपनी अच्छी कीमत मिल जाएगी। करण के सामने आप ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं? मैं करण जी के साथ भी जाऊंगा कॉफी के लिए, नहीं, वी कैन गो फॉर सम प्रोटीन शेक और समथिंग। हम जाएंगे, लेकिन क्या मैं एक टाइम पे एक ही जन के साथ जा सकता हूँ? तो बिपाशा जी कॉफी के लिए मेरे साथ चले तो आवारापन। वकील साहब होश में आइए आप। आज होश में नहीं, आज मैं जोश में आया हूँ, फुल जोश में आया हूँ। मैं आपको सच बताऊं, आपकी सारी की सारी हॉरर फिल्में भी मैंने देखी हैं। ओहो, आई लव देम। मैंने इतना मुझे मजा आया हॉरर फिल्में देख के, मुझे एक भूतनी से प्यार भी हो गया। फिर नाउ शी इज माय वाइफ।
अपने हॉरर फिल्म में एक लाइन कही थी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, उसने मुझे कर दिया। इसलिए अगर आप मेरे साथ कॉफी पे जाएंगी ना, तो शायद मार्केट में थोड़ी सी मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। बस मैं करण जी, आपको फिटनेस का बड़ा शौक है ना, कितनी देर से आप जिम नहीं गए? सुनो मेरी बात वकील साहब, जिम जाने की जरूरत उनको नहीं है, आपको है जिम जाने की जरूरत। नहीं तो आप ऐसे चलता रहा ना, एक दिन ये पेट आपका पेटीकोट बन जाएगा नीचे तक। पॉसिबिलिटी है यार, यू थिंक आई एम मोटा? नो नॉट एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा तो मेरा शौक है। क्या है, लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, कोई एंटी कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कॉइन्स कलेक्ट करता है। आई एम अ फैट कलेक्टर, आई जस्ट कलेक्ट। मैं आपको सच बताऊं, आप दोनों इतने फिट हैं, फिर आप दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों की? मेरे हिसाब से एक फिट इंसान को एक अनफिट इंसान से शादी करनी चाहिए थी। क्यों? देखिए, अगर आपकी शादी किसी मोटे इंसान से हुई होती, नहीं हुई, लाइक यहाँ पे कौन है मोटा? चलो एक बार तो मान लेते हैं कि मैं मोटा हूँ। आप तो है ही यार, यही तो कह रहा हूँ कि मान लो मैं मोटा हूँ। तो अगर आपकी शादी मुझसे हो जाती है, अगर तो क्या आप मुझे ट्रेन कर दी, मोटिवेट कर दी, मुझे मोटे से पतला बना दी, दुनिया भी कहती वाह यार विपाशा बाबू ने देखो अपने पति को कैसा सुखड़ा पतला कर दिया। ऐसा सेट करती ना, है ना? बिल्कुल। लेकिन 4382 ये क्या है? ये OTP है, बाहर एक टैक्सी खड़ी है। वो क्यों जाएंगे वकील साहब बाहर, पहले बताइए। वो नहीं जाएंगे तो हम डेट पे कैसे जाएंगे? आपको लगता है कि बिपाशा आपके साथ कॉफी पीने जाएगी? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगी मेरे साथ डेट पे, और ये मौका मैं छीनना नहीं चाहता, ये मौका मैं आपको दूंगा। छीनना ये नहीं चाहता। छीनना नहीं चाहता, मैं आपको दूंगा। उनको नहीं चाहिए ये मौका। यार देखिए बिपाशा जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, इट्स अ डू और डाई फॉर मी। मतलब अगर ये मना कर देंगे तो आप मर जाएंगे? नहीं नहीं, मरे मेरे दुश्मन, डू और डाई मतलब अगर आप हां कहेंगी तो मैं डाई करूंगा। चलिए जाने से पहले मैं आपको एक सुनहरा मौका देता हूँ। यू बोथ हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या? अगर आप दोनों मेरे साथ यहाँ पे छोटा सा डांस कर लें, तो फिर जब आप यहाँ से जाएंगे ना, मैं आपकी गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ूंगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.